बीते सोमवार की देर रात सारवा प्रखंड के गमरिया में एक युवक का कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, जिसको लेकर पूरा जिला प्रशासन महकमा सख्ते में है। वहीं पॉजिटिव पाए गए युवक को डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पताल मां ललिता में एडमिट करवाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारवा प्रखंड के गमरिया गाँव को प्रशासन ने पूरी तरह सील कर दिया है। वहीं इस मौके पर देवघर SDM विशाल सागर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीती रात को देवघर में पहला कोरोना संक्रमित पाया गया है, जो सारमा प्रखंड के गमरिया गांव का है और इनका सैंपल लिया गया था, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। रात में देवघर में पहला पॉजिटिव कोविड केस पाया गया है। ये सारमा प्रखंड में गमरिया गांव है, जहाँ भी 70 वर्षीय युवक है जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। इनका सैंपल लिया गया था क्वारंटाइन सेंटर में जब वो रह रहे थे उसी दौरान। इसके बाद जब पॉजिटिव सैंपल आया है तो पेशेंट है, उनको हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है, मां ललिता हॉस्पिटल में। उनके जो परिवार वाले लोग हैं उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ साथ में जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनसे बातचीत की गई है और इन्होंने जिनका नाम बताया है, उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। गांव जो है इसको पूरी तरह से सील किया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बाहर से आने जाने में पूरी तरह से रोक रही है।